malal travit sa salikna batyan pas ki par halal malal travit sa salikna batyan pas ki par halal khayal chane me dil cho toshan ba mal poshan kare halal malal travit,

जे एफ एस वन आप इट्स काइंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका एक बार फिर वेलकम है पिछले कुछ टाइम से हम आपके साथ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के मुतालिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर कर रहे हैं जिनमें हम आपको इस डिस्ट्रिक्ट की अहम और हिस्टोरिकल जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम आपको जिला गांधरबल की एक बहुत ही ख़ास जगह की सैर कराने जा रहे हैं जिसका नाम है शाला जी हाँ बात कर रहे हैं शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व की तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर शालबुग जिला गांधरबल का एक बड़ा खूबसूरत गांव है जो कि गांधर के जनूब में श्रीनगर जिले की तरफ लोकेटेड है शालबुग वेटलैंड आचार झील के मगरब की तरफ दरियाई सिंध के ताश में वाक है ये गांधरबल से तकरीबन आठ किलोमीटर की दूरी पर है इसका एरिया करीबन एक सौ पचास हेक्टेयर है ये चौंतीस आशारिया सिफर नौ डिग्री नॉर्थ और चौहत्तर आशारिया तैतीस डिग्री ईस्ट पर वाक़ा है मीन सी लेवल से 1508 मीटर की औसत बुलंदी पर मौजूद इस वेटलैंड का कुछ हिस्सा श्रीनगर जिला और बेशतर हिस्सा जिला गांधरबल में है यह दरिया जहलिम के फुलड प्लान का हिस्सा है पानी की गहराई औसतन सिफर आशारिया पांच से लेकर दो मीटर तक है शालाबुक वेटलैंड मकानी और महाजर परिंदों की पनाहगाह के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है ये परिंदों की इक्कीस से ज्यादा स्पेशीज के लिए एक सेफ नेचुरल हैबिटेट है इनमें कुछ परिंदे ऐसे हैं जो हर साल सर्दियों के मौसम में साइबेरिया जैसे दूर दराज इलाकों से हजारों मील की उड़ान भरकर हिजरत करके यहाँ आते हैं जबकि सेंट्रल एशिया शुमाली यूरोप लद्दाख और चीन से भी हजारों मेहमान परिंदे इस वेटलैंड में पनाह लेते हैं इनमें गीज बारगीज कॉमन टियल व्हाइट हेडेड डक मालवाड पिंटेल, हार्डवाल कूट और हुक वगैरह शामिल हैं सबसे ज्यादा तादाद में पिंटेल, कॉमन टेल और गाडवाल परिंदे इस वेटलैंड में पाए जाते हैं परिंदों की कुछ एंडेंजर्ड स्पेशीज जैसे कि स्टेपी ईगल पलासेज फिश ईगल और येलो आइड पिजन वगैरह भी इस वेटलैंड में दिखाई देते हैं ये वेटलैंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हुकूमती जम्मू और कश्मीर की निगरानी में है लाखों परिंदों को घर फराहम करने के अलावा ये वेटलैंड नेचुरल कार्बन सिंक के तौर पर काम करता है इस वेटलैंड को दरपेश सबसे बड़े खतरों में एक सिलिटेशन का मसला है सिलिटेशन यानी पानी के जखायर में मट्टी या गारे का गैर जरूरी जमाव है ये जगह गांदरबल में एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है रवान साल फरवरी के महीने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की तरफ से एक दो रोजा बर्ड फेस्टिवल का इनका शालबुग वेटलैंड के वसी इलाके में पहुंचने का रास्ता शालबुग गाँव और एक बड़े मैदान से होते हुए जाता है और एक नदी पार करके आप शालबुग वेटलैंड में दाखिल हो सकते हैं इस नदी को पार करने के लिए शिकारा का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ हमारी मुलाकात एक दोस्त से हुई जिसने हमें नदी के पार पहुंचाया हैरत तब हुई जब चार घंटे बाद वापसी के वक्त हमने उसको उसी तरह अपना मुंतजर वो शालाबुग की एक मशहूर विल्ल वर्ग सन्नत से वापसता है और एक बहलार पर काम करता है बहलार यानी वो जगह जहां बेद को उबलते हुए पानी से गुजारा जाता है ताकि इनकी जल्द उतारने में आसानी हो इन बेदों से बाद में खूबसूरत चेयर्स बास्केट्स और दीगर सामान तैयार किया जाता है इन हमारी कोशिश होगी कि बेद की पैदावार से लेकर उनके सामान बनाने में इस्तेमाल तक की सारी प्रोसेस को एक वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे अपना ख्याल रखिएगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमें फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए खुदा हाफिज